ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मदिगिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी, समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथादि राज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परम उपकारी रचना अमृत चंद्राचार्य की अमृतमयी टीका और गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक सभा में जिस ग्रंथादि राज को चलाया, निरंतर जिस समय सार का अनुभव किया, 45 वर्षों तक उसी समय सार का अनुभव करने की प्रेरणा दी। यह समय सार ये ग्रंथ नहीं है, ये समय सार आत्मा है, आत्मार्थी की, ये मुमुक्षुओं की आत्मा है, ये आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग है। सिद्धों को वंदन किया और सिद्ध स्वरूप के दर्शन कराए, सिद्ध परमात्मा में अनंत शक्तियां हैं ऐसा तो सारा जगत कहता है, लेकिन ये समय सार कहता है कि तू सिद्ध स्वरूप है, तुझ में भी अनंत शक्तियां हैं। कौन है ऐसा शक्तिशाली तत्व, कौन है ऐसा शक्तिमान है? कोई और नहीं, मैं शक्तिमान तत्व हूँ। कितनी शक्तियां हैं? बोले अनंत हैं। एक एक शक्ति का वर्णन एक एक लाइन में अमृत चंद्र स्वामी ने किया और मानो अंदर में जान डाल दी हो। चार शक्तियों की चर्चा कल तक हम आपके बीच में कर चुके हैं, नाम याद होंगे, हो रहे होंगे, है ना? कल भी कही थी बात, हम सब जानते हैं गुरुदेव तो रोजाना पाठ किया करते थे। जिसका पाठ गुरुदेव करते हों, जो शक्तियाँ मुझ में मौजूद हों, उनकी खबर मुझे होनी चाहिए या नहीं, ये बताओ। आपके घर में खजाना हो और आप भीख मांगते हो, रोटियों के लाले पड़े रहते हो, बोलो ये शोभा देती है ये बात? घर में खजाने भरे हैं लेकिन पता नहीं है ना कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी इतना धन कमाकर और इस जगह पर घर में रख करके गए हैं, यदि इस बात का पता नहीं हो तो दर दर की ठोकरें खाता फिरता है, रोटी खाने की व्यवस्था नहीं होती है। और पता लग जाए तो बोलो अब भीख मांगेगा, अब किसी के आगे हाथ फैलाएगा? पता लगने का खेल है सारा का सारा, और कुछ नहीं है। शक्तियाँ प्रकट नहीं करनी है, शक्तियाँ कहीं से लानी नहीं है, शक्तियाँ भरनी नहीं है, शक्तियाँ बाहर से कहीं आएगी नहीं, ये शक्तियाँ अनादि अनंत ज्ञाय भगवान आत्मा में मौजूद हैं। जो मौजूद है उसकी स्वीकृति करनी है, उसका स्वीकार करना है, उसका परिचय करना है, उसका भाव भाषण करना है कि ये शक्तियाँ मेरे में मौजूद है। पहली शक्ति का नाम क्या? जीवत्व शक्ति। ये जीवन है मेरा, मैं जिंदा हूँ तो अपनी जीवत्व शक्ति से जिंदा हूँ। देखिए जीवत्व शक्ति जीवन दान देने वाली है, जीवत्व शक्ति अमर बना देने वाली है। जब अमरता की बात कही जाती है तो सामने वाले ऐसे समझते हैं कि अब तो मरेंगे नहीं। अरे भाई सुनो, देह के वियोग रूप मरण हो तो हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं देह नहीं हूं ना, क्या मैं तो चैतन्य शक्ति से जीता हूं ना। ये जीवत्व पना, जीव पना, जानदार तत्व मैं हूं, ये जीवत्व शक्ति के माध्यम से बतलाया गया। चैतन्य मात्र भाव रूपी भाव प्राण का धारण करना, ये शब्द दिए थे। कौन सा प्राण है मेरा? शरीर प्राण नहीं, द्रव्य प्राणों से नहीं जीता हूं मैं,
अन्न प्राण से नहीं जीता हूँ, अन्नम वै प्राण है, ऐसा कहते हैं, अन्न को प्राण कहते हैं, धन को प्राण कहते हैं, न तो मैं धन से जीता हूँ, न मैं अन्न से जीता हूँ, न मैं आयु कर्म से जीता हूँ। बोलो, तत्वार्थ सूत्र की शैली में बात करेंगे तो ये कहेंगे तू कब तक जिंदा रहेगा, जब तक तेरा आयु कर्म है। गोमठ सार की शैली में बात करेंगे तो तू कब तक रहेगा, सब जब तक आयु कर्म है तब तक जिंदा हूँ, आयु कर्म खत्म हो गया और मर गया, ये कह रहे हैं तो आयु कर्म से जिंदा रहे ऐसा नहीं है, आयु के बिना रहूँ मैं ऐसा हूँ। ये जीवत्व शक्ति में बात कही। भाई साहब, जीवत्व शक्ति का पता लगते ही अब दुनिया की कोई ताकत मुझे मार सकती है? मरे अनंत बार बिन समझे, बिन समझे सो मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। अब हम अमर हो गए हैं भाई साहब, अब नहीं मरेंगे हम, पता लग गया ना। अब मार ले कोई हमारे को, तलवार लेकर के मारे कोई व्यक्ति, मरूंगा कि नहीं मरूंगा, मार ले चल। किसी व्यक्ति ने कवच पहन रखा हो मान लो, और कवच पहन करके बाहर आया हो युद्ध क्षेत्र में, और सामने वाला व्यक्ति चक्कू लेकर के खड़ा है, तलवार लेकर खड़ा है मारने के लिए, ये क्या कहते हैं, मार मार मार, मारेगा, मरूंगा मैं? ये विश्वास है अंदर में कि मैं मरता नहीं हूँ, ये विश्वास जहाँ होता है ना। सौरभ भाई, आपका मोबाइल लेकर के बाहर बच्चा खेल रहा था और एक दूसरे बच्चे ने आकर के कहा कि अंकल अंकल आपका मोबाइल उसने पानी में डाल दिया, एकदम भागते हैं कि नहीं, अरे यार क्या कर दिया उसने, और आपको पता हो कि मेरा मोबाइल वाटरप्रूफ है तो क्या होगा? ठीक है यार, कोई बात नहीं, डोंट वरी, परवाह नहीं है हमारे को, हमें चिंता नहीं है इस बात की। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये पानी में डालने से इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, हमें मालूम है कि सामने वाला बंदूक चलाए गोलियां चलाए लेकिन मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, हमें मालूम है कि आयु कर्म संपन्न हो जाने के बाद भी मेरा अस्तित्व मिटता नहीं है, इसका नाम जीवत्व है। क्या ये जान है मेरी, ये जीवत्व शक्ति कि सुनो जिंदा तो रहेगा लेकिन मर मर के जिंदा रहे उसमें क्या दम है। बोलो, आपसे ये कहें साहब, आप मरोगे नहीं लेकिन आँखें खराब हो जाए, आप मरोगे तो नहीं लेकिन उठ बैठ नहीं सकते हो, आप मरोगे तो नहीं लेकिन कान से सुनाई नहीं देता, बोलो जिंदा रहना चाहोगे? कितने कितने लोग, कितने लोगों से हम ऐसी बातें सुनते हैं, लोग ऐसी बात कहते हैं, पंडित जी बस हमारी तो ये भावना है मरते दम तक हाथ पांव चलते रहें, बिस्तर नहीं पकड़ ले रहे हम, माने हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए जो मरे हुए जैसा जीवन हो। सुनो, एक दूसरी शक्ति है जिसका नाम है चिति शक्ति, ये चिति शक्ति कहती है अजड़त्व रूपा, क्या शब्द दिए, अजड़त्व रूप, जड़ नहीं है तू, जड़ नहीं हो जाता तू, चेतना शक्ति से सहित है, चेतना प्राण से सहित है, जड़ का प्रभाव नहीं है, जड़ से मिला नहीं है, जड़ तुझे छूता नहीं है, कर्मों का कितना भी प्रभाव पड़े ये कर्म तुझे जड़ बनाने में समर्थ नहीं है, तू बेचेत नहीं हो सकता, तू बेजान नहीं हो सकता, ये अजड़त्व नाम की चिति शक्ति है। पॉइंट समझ में आ रहा है, मैं रहूंगा तो सही, रहूंगा ये जीवत्व, लेकिन चैतन्य पने रहूंगा ये चिति, रहूंगा भी अस्तित्व कायम रहूंगा, ये तो जीवत्व की बात हुई ना, लेकिन कैसा रहेगा तो सही लेकिन इसमें से ज्ञान निकल जाएगा, दर्शन निकल जाएगा, अब बेचेत पड़ा रहेगा कि नहीं 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 क्या बात कर रहे हो आप, चेतना सहित रहूंगा मैं, जड़ होकर के नहीं रहूंगा। इसी समय सार ग्रंथ में यही अमृतचंद्र स्वामी पीछे 308 से 311 तक की गाथा की टीका में कहते हैं, गुरुदेव ने जिसके माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय निकाली, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्य मानो जीव है एव न अजीव है, एवं अजीवोपी क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्य मानो अजीव है एव न जीव है। सुनो, परिणमन करता करता ये जीव कभी अजीव नहीं हो जाएगा, अस्तित्व तो है लेकिन चेतना सहित है। उस चेतना की विशेषताएं आगे बतलाई, अनाकार उपयोगमयी, कौन सी शक्ति, पहली का नाम क्या था, दूसरी, तीसरी शक्ति,
दृष्टि शक्ति कैसी है? अनाकार उपयोगमयी, सामान्य अवलोकन। द्रव्य संग्रह में इसके लिए प्रयोग किया सत्तावलोकन, सत्ता मात्र का अवलोकन, भेद किए बिना, विकल्प डाले बिना, टुकड़े किए बिना, सब सामान्य रूप से झलके, सब एक सरीके झलके, किसी प्रकार का भेद न हो, इसका नाम दृष्टि शक्ति है। इसे सत्तावलोकन, इसे सामान्य अवलोकन कहते हैं। मति ज्ञान के पहले जो दर्शनोपयोग की जो चर्चा की ना, ये दर्शनोपयोग ये दृष्टि शक्ति का काम है। दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। ज्ञान और दर्शन ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? थोड़ा उपयोग एकाग्र करके सुनना, दोनों अलग अलग हैं रजनी भाई? दोनों अलग अलग बताते हैं। दर्शनोपयोग अलग है, ज्ञानोपयोग अलग है। अब मेरा प्रश्न ये है, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है या दोनों साथ साथ होते हैं? छद्मस्थ को क्रम से होते हैं और केवली को साथ साथ में होते हैं। छद्मस्थ को क्रम से होते हैं तो पहले कौन होता है? पहले पहले दर्शनोपयोग होता है। समझ में आ रही है रमेश भाई क्या क्या चर्चा चल रही है? दर्शनोपयोग पहले और ज्ञानोपयोग उसके बाद में। ये दर्शन नाम का गुण दर्शनोपयोग रूप, ज्ञान नाम का गुण ज्ञानोपयोग रूप। अब दर्शन गुण की पर्याय का नाम दर्शनोपयोग और ज्ञान गुण की पर्याय का नाम ज्ञानोपयोग। तो ज्ञान गुण की पर्याय को होने के लिए क्या दर्शन गुण की पर्याय की जरूरत है? क्या ज्ञान गुण की पर्याय दर्शन गुण के पराधीन है? दर्शन गुण की पर्याय नहीं होगी तब तक ज्ञान गुण की पर्याय नहीं होगी? अरे नहीं भाई, ये तो जानने की प्रक्रिया की चर्चा की है। जिस समय दर्शन गुण की पर्याय सामान्य अवलोकन रूप कार्य कर रही होती है, उसी समय ज्ञान गुण की पर्याय अन्य विषय को जानने में प्रवृत्त हो रही होती है। जिस विषय का दर्शनोपयोग हुआ उसी विषय में विशेष प्रवृत्ति का नाम ज्ञानोपयोग है। जिस समय ज्ञानोपयोग हो रहा है, विषय को विशेष जाना जा रहा है, उस समय दर्शनोपयोग या दर्शन गुण की पर्याय के माध्यम से अन्य विषयों का सामान्य अवलोकन होकर के छूट रहा है। ये शक्ति है ऐसी, सामान्य अवलोकन नहीं हो तो विशेष नहीं हो सकता। क्या सामान्य के बिना विशेष गधे के सींग के समान है, ऐसा लिखा है? निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत घर विषाण मत। गुरुदेव से ने लिया कि ऐसा होता तो सितंबर मत आ जाए। बोलो गुरुदेव ने ऐसा कहा, यदि ऐसा होता तो श्वेतंबर मत का प्रसंग आता। क्या बहुत चर्चाएं हुई इस तरह की, और बहुत प्राचीन काल से दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के संदर्भ में बहुत चर्चाएं उठती रही। हमने क्या कहा आपसे कि सामान्य के बिना विशेष नहीं होता, हर विशेष में सामान्यपना छिपा होता है। तो सामान्यपन से विषय बने ये दृष्टि शक्ति का काम, कि साहब सामान्य से तो सबको जान लिया, कुछ विशेष भी जान पाएंगे कि नहीं, कि तेरे में एक और शक्ति है, उस शक्ति का नाम ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति, कल चार शक्तियों की चर्चा हुई थी। ज्ञान शक्ति की परिभाषा क्या दी? साकार उपयोगमयी। दर्शन शक्ति क्या थी? निराकार उपयोगमयी। ज्ञान शक्ति क्या है? साकार उपयोगमयी। भेद रूप जाने, विभाजन करके जाने, पृथक पृथक जाने, अलग अलग जाने, ये अलग है और ये अलग है, ये भेद करके जानना ज्ञान शक्ति का काम है। दर्शन में भेद नहीं होते प्रकाश भाई, दर्शन में भेद नहीं होते। ये दृष्टि शक्ति भेद करके नहीं जानता है, तो ज्ञान का ही सूर्य। दृष्टि शक्ति भेद करके नहीं जानती, लेकिन जो ज्ञान शक्ति है ये भेद लिए हुए जानती है। ज्ञान को विकल्पात्मक कहते हैं, आप जानते हैं। दर्शनोपयोग निर्विकल्पक है और ज्ञानोपयोग सविकल्पक है। राजू भाई किसका ज्ञान? सबका ज्ञान। सब माने केवलियों का ज्ञान तो निर्विकल्प होगा। हम कहते हैं ज्ञान निर्विकल्प हो जाए, ज्ञान निर्विकल्प। अरे भाई, ज्ञान का स्वरूप ही सविकल्प है। सविकल्प स्वरूप क्या है? भेद रूप लेकर के जानना, इसे ही सविकल्प स्वरूप कहते हैं। बस
विविधता लिए हुए जानो ना, ये अलग है और ये अलग है। सुनो, यदि ये ज्ञान शक्ति नहीं होती तो शरीर और आत्मा का भेद नहीं हो सकता था। यदि ये ज्ञान शक्ति नहीं होती तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, इनमें भेद रूप कैसे जानते हम? ये जितनी शक्तियाँ हैं ना, 47 शक्तियाँ, इन 47 शक्तियों में कोई भेद नहीं है द्रव्य अपेक्षा। इन 47 शक्तियों में क्षेत्र अपेक्षा कोई भेद नहीं है। इन 47 शक्तियों में काल अपेक्षा कोई भेद नहीं है। और गुरुदेव कहा करते थे बार बार, भावे भेद छे। क्या भावे भेद छे? भाव में भेद है। ये भावे भेद क्या चीज है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, जितनी शक्तियों की चर्चा की, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, सच्चत्व, प्रकाश, असंकुचित विकासत्व, ये जिन शक्तियों की चर्चा की है, ये शक्तियाँ कितनी है? अनंत। शक्तियाँ कितनी? अनंत। और प्रदेश कितने? असंख्यात। आत्मा के प्रदेश कितने? अब उन असंख्यात प्रदेशों में अनंत शक्तियों को रखेंगे तो एक एक शक्ति कितने कितने प्रदेश में रह पाएगी? निखिल भाई बोलो भाई, एरिया तो इतना सही है, एरिया तो कितना है? असंख्यात प्रदेश है। अब उन असंख्यात प्रदेशों में शक्तियां कितनी है? अनंत। तो असंख्यात प्रदेशों में अनंत आएंगी तो रहेंगी कैसे? एक एक प्रदेश पर एक एक नहीं, पूरे असंख्यात प्रदेशों पर प्रत्येक है। क्या ये चर्चा आने वाली है यहां? देखो आगे चार हो गई ना अभी। भेद रूप देखना, भेद रूप जानना, साकार उपयोग रूप, साकार माने भेद, साकार माने विकल्प, विकल्प माने भेद। तो भेद रूप जानने को ज्ञान शक्ति कहते हैं। ज्ञान नहीं हो तो भेद नहीं जान सकते आप। क्या ये सेवंती भाई है? ये कौशिक भाई है? ये रमेश भाई है? ये भेद कैसे जाना आपने? बोलो, ज्ञान शक्ति नहीं हो तो ये भेद नहीं जाना जा सकता है। केवल ज्ञानी परमात्मा भी ज्ञान से जानते हैं तो भेद लिए हुए जानते हैं। देखो यहाँ भेद तक की बात हो गई, ज्ञान शक्ति तक की चर्चा कल हमने यहाँ की। अब आगे कहते हैं कि साहब ज्ञान तो बहुत है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा कुछ। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान 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 ज्ञान, इन्फॉर्मेटिव बहुत हो गया, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। आचार्य देव कहते हैं तुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तेरे में सुख है, सुख नाम की एक शक्ति है, तुझे पता है? तुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तुझे आनंद नहीं आ रहा है, तू सुख स्वरूप है, तो अनादि अनंत सुख स्वरूप है। इसमें मैं तो बहुत परेशान हूं कि सुन, दुख नाम की कोई शक्ति नहीं है तेरे में, तू किस धोखे में? तेरे में दुख नाम की कोई शक्ति नहीं है, तेरे में विकार नाम की कोई शक्ति नहीं है, तेरे में परेशान हो इस तरह की कोई शक्ति नहीं है, इस तरह की कोई कमजोरी नहीं है, तेरे में सुख नाम की शक्ति है, तो उस सुख शक्ति से अपने सुख का उपभोग करे, ऐसा तेरा स्वरूप है। पांचवी शक्ति सुख शक्ति, लक्षण क्या कहा? अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। ओहो क्या कह रहे हैं, सुख किसका नाम है? अनाकुलत्व लक्षणा, आकुलता नहीं, अनाकुलता को सुख कहते हैं। इसका मतलब ये है जगत में जितना सुख हमारे माध्यम से समझा जाता है, समझ लिया जाता है, जिसमें आकुलता है, जिसमें बेचैनी है, जिसमें कष्ट है, बोले वहां सुख नहीं है, वो दुख है। इंद्रिय जन्य सुख वो इस सुख शक्ति का काम नहीं है, विषय भोगों वाला सुख ये सुख शक्ति का काम नहीं है। पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोग कर सुखी हो सके ऐसी त्रिकाल इस जीव में योग्यता नहीं है, योग्यता ही नहीं है कि तू पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोग करके सुखी हो सके। अनाकुलता लक्षण वाली सुख शक्ति स्वरूप है। अब देखो शक्ति तो है सुख हमारे में, और कहता क्या है? मैं बहुत परेशान हूँ साहब, मैं बहुत दुखी हूँ साहब, मैं बहुत दुखी हो गया, इतनी गर्मी, रजनी भाई ने पंखे बंद करा दिए सारे, परेशान हो गया मैं तो। मैंने कैसे पौन घंटा निकाला है मैं जानता हूँ, अब ये चले जाएंगे ना कल तो मजे से चलाएंगे। बोलो आपने अभी से छूट दे दी,
ये कह रहे मैंने झूठ दे दी, मैंने तो आपके साथियों की प्रवृत्ति बताई है, भरोसा नहीं हो तो कल रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। क्या बोलो? अनाकूलत्व लक्षण कह रहे हैं यहाँ, तुम्हें लग रहा है कि मैं दुखी हो गया, तुम्हें लग रहा है उपवास करके दुखी हो गया, तुम्हें लगता है भोजन नहीं मिलने से दुखी हो गया, तुम्हें लगता है मीठा नहीं था फीकी चाय मिल गई इसलिए दुखी हो गया, कहाँ कहाँ तुम्हें दुख की कल्पना हो रही है। आचार्य देव कह रहे हैं तेरे में सुख नाम की शक्ति है मूर्ख, तू अपने आप को दुखी मान बैठा है, इसका नाम मिथ्यात्व है। अंदर में लबालब सुख भरा होते हुए भी अपने आप को दुखी मानना, इसका नाम ही तो मिथ्यात्व है। चिरन भाई मिथ्यात्व क्या चीज है बतलाओ? छोटरमल जी कहते हैं कि सुन, यदि तेरे में दुख भरा हो, यदि तेरे में दुख हो, यदि तेरे में विकार हो, यदि तेरे में अशुद्धता हो और तू अपने आप को अशुद्ध माने तो तेरा ज्ञान सम्यक हो गया, तू सम्यक दृष्टि हो गया। छोटरमल जी के वचन है तीसरे अध्याय में, इस तरह के वचन दिए उन्होंने। क्या लिखा जयेश भाई? कि आप में है तो सुख शक्ति, सुख है, और आपने माना क्या? मैं दुखी हूं, मैं संसारी हूं, मैं विकारी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। क्या समझ लिया आपने? अपने आप को पापी समझा। अब यदि ये जीव वास्तव में पापी हो गया होता, क्या वास्तव में पापी हो गया होता तो राजू भाई इसको सम्यक दर्शन कहते। मैं पापी हूं, वास्तव में पापी हूं और मानता हूं मैं पापी हूं, तो ये मेरी मान्यता सच्ची है या झूठी है? सच्ची हो जाती है मान्यता, और मान्यता सच्ची हो जाती तो इसे सम्यक दर्शन कहते। लेकिन चूंकि मानता तो है अपने आप को पापी, मानता तो है अपने आप को रागी, मानता तो है विकारी, लेकिन आज तक विकारी मानते हुए भी विकारी कभी हुआ नहीं, अपने आप को दुखी मानते हुए भी दुखी कभी हुआ नहीं, इसलिए इसकी मान्यता मिथ्या कहने में आती है, इसलिए यह मिथ्या दृष्टि है। सुख स्वरूपी होते हुए अपने आप को दुखी मान रहा है, इस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, ये उल्टी मान्यता तोड़ देने योग्य है। ये कह रहे हैं भाई साहब आकुलता तेरे में नहीं है, कि साहब आकुलता तो मोक्ष में नहीं है, ये तो अनाकुलत्व लक्षण कह रहे हैं। शक्ति का लक्षण क्या कहा? कौन से नंबर की शक्ति है ये? पांचवें नंबर की शक्ति है। पक्का? कौन से नंबर की शक्ति है? अरे ये तो कहने के लिए नंबर है क्या? आत्मा में ये शक्तियाँ ऐसे नंबर से बैठी है क्या? जीवत्व शक्ति तो यहाँ बैठी हुई होगी, है चिति शक्ति कहीं और होगी, ज्ञान शक्ति यहाँ होगी, दृष्टि शक्ति यहाँ होगी, ऐसा है कुछ? कहाँ है ये? सुनो भाई साहब, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में एक साथ है, इनमें कोई क्रम नहीं है। ये तो कहने में क्रम पड़ता है, ये तो बोलने में क्रम पड़ता है। पहले जीवत्व, फिर चिति, फिर चिति हो तो फिर दृष्टि, फिर ज्ञान, फिर सुख। अच्छा एक श्रद्धा नाम की शक्ति है या नहीं आत्मा में? बस 47 शक्तियों में श्रद्धा है या नहीं बोलो? कितने लोगों को नाम याद है, कल हाथ खड़े किए थे? देखो देखो फटाफट, श्रद्धा है या नहीं है? श्रद्धा नहीं है। चारित्र नाम की शक्ति है या नहीं है बोलो? 47 शक्तियों के नाम फटाफट दोहराओ, इतनी देर में तो हो जाने चाहिए थे। कितने सेकंड में बोल रहे थे गुरुदेव? 33 सेकंड में। 33 से तो ज़्यादा टाइम दे दिया आपको। फटाफट देखो, है क्या चारित्र नाम की शक्ति? है क्या? नहीं है। श्रद्धा नाम की शक्ति भी नहीं है, चारित्र नाम की शक्ति भी नहीं है, और सारा का सारा मोक्ष मार्ग श्रद्धा और चारित्र पर टिका है। गुणस्थान की परिभाषा क्या है? श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। पूरे के पूरे मोक्ष मार्ग श्रद्धा और चारित्र पे टिके हैं, और यहाँ श्रद्धा और चारित्र नाम की शक्ति ही नहीं बतलाई है, ये क्या चक्कर है? श्रद्धा और चारित्र नाम की शक्ति नहीं है। इतने महत्वपूर्ण गुणों को यहाँ 47 शक्तियों में नहीं लिया अमृतचंद्र स्वामी ने, भूल गए थे। भूलने का क्या सवाल है, जितना विकल्प आया उतने लिख दिए। कल रजनी भाई ने बताया मेरे को, गुरुदेव ने और कितनी 100 तक शक्तियाँ निकाल के,
सौ शक्तियां निकाल करके बतलाई, क्योंकि आगे और शक्तियां, कितनी शक्तियां हैं भाई आत्मा में। जब तक अमृत चंद्राचार्य देव को विकल्प आता रहा तब तक लिखते चले गए, जब विकल्प टूट गया तो लेखनी टूट गई, छूट गई, बस इतना ही। ये जो सुख नाम की शक्ति है ना, इस सुख नाम की शक्ति में श्रद्धा और चारित्र को गर्भित करना, क्या कहा, सुख नाम की शक्ति में श्रद्धा और चारित्र को गर्भित करना। देखो हेतु देता हूं, तर्क देता हूं आपको, बात समझाता हूं। देखिए दुख का कारण निमित्त रूप से क्या कहा जाता है, मोह। मोह दुख का घर है, मैंने आज सरासर देखा है, मोह दुख का घर है ना। ये जीव मोह की वजह से दुखी है, मोहनी कर्म के कारण दुखी है, परद्रव्य के कारण दुखी नहीं है, पर इसे दुखी नहीं करता है, संयोग और परिस्थितियां इसके दुख का कारण नहीं है, तो दुख का कारण क्या है, मोह। इसलिए मोहनीय कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है, ज्ञानावरणी के अभाव में क्या, अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म के अभाव में अनंत दर्शन, अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य, और मोहनी के अभाव में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। मोहनी कर्म के अभाव में क्या हुआ, अनंत सुख, माने मोह के अभाव में सुख है। अब मोह है दो प्रकार का, क्या रमेश भाई, मोहनी कर्म के अभाव में अनंत सुख है ना। अब मोह दो प्रकार का है, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। दर्शन मोह श्रद्धा की विकृति का नाम है, और चारित्र मोह चारित्र में उत्पन्न होने वाले विकार का नाम है। दर्शन मोह श्रद्धा की विकृति है, और चारित्र मोह चारित्र में उत्पन्न होने वाले विकार का नाम है। अब ये दोनों प्रकार के मोह नष्ट हो गए, माने श्रद्धा की विकृति भी दूर हो गई और चारित्र की विकृति भी पूरी तरह से चली गई। ये मोहनीय नष्ट हो गया और अनंत सुख प्रकट हो गया। इसका मतलब सुख में दर्श श्रद्धा और चारित्र, इनका निर्मल परिणाम शामिल है। अरिंद भगवान के गुण बताए चार, हाँ, उसने मोहनी के अभाव में सुख लिया, हाँ, और सिद्ध भगवान के मोहनी के अभाव में सम्यक दर्शन लिया, तो दोनों आ गए। बोलो अरहंत भाई, तो कह रहे रजनी भाई ऐसा ही है स्वरूप, माने अरहंत भगवान के जो अनंत चतुष्टय बतलाए उनमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य लिए, बराबर। और जब सिद्ध भगवान के अष्ट गुण बतलाए तो उसमें मोहनी कर्म के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व की बात कही, सुख को वेदनीय में ले गए वहां अव्यवाद सुख ऐसा कह करके। तो माने यहां श्रद्धा के अभाव में, श्रद्धा का अभाव माने मिथ्या श्रद्धा के अभाव में प्रकट होने वाला सम्यक्त्व, और चारित्र के अभाव में प्रकट होने वाली निर्मलता, इन दोनों को सुख में शामिल किया है, इसलिए अलग से देने की जरूरत नहीं है, सुख कहते ही उसे हैं। श्रद्धा बदलेगी तो सुख होगा, और चारित्र में ज्यों ज्यों निर्मलता आती जाएगी त्यों त्यों सुख की वृद्धि होती चली जाएगी। श्रद्धा और चारित्र पे निर्भर है भाई साहब, आपकी श्रद्धा क्या कहती है बताओ। आपकी श्रद्धा यदि ये है कि मैं जीवत्व शक्ति का धनी हूँ, आपकी श्रद्धा ये है कि चिति दृश्य आदि शक्तियाँ मुझमें हैं, आपकी श्रद्धा में यदि आप अपने आप को अनंत शक्ति संपन्न महसूस कर रहे हो, अब दुख का क्या काम है। सारा खेल भरोसे का है, सारा खेल भरोसे का है भाई साहब, भरोसा हो तो सब काम हो जाए। तो यहाँ क्या शक्ति का लक्षण कहा, अनाकुलत्व लक्षण, अनाकुलता जिसका लक्षण है, अर्थात सुख स्वरूप अनाकुलता स्वरूप जो शक्ति है उसका नाम है सुख शक्ति। किसमें है भाई साहब ये सुख शक्ति, ये सुख शक्ति किसमें है, निगोदिया में है या नहीं है, निगोदिया में तो कितने दुखी हैं बेचारे, नारकियों में है या नहीं है, नारकियों में है या नहीं है सुख शक्ति, है सुख शक्ति। सुनो जो नारकी जीव अपनी सुख शक्ति को पहचानते हैं उनकी क्या दशा होती है, बाहर नारकी कृत दुख भुगते अंतर सुख रस गटा गटी। क्या गुरुदेव खूब सुनाया करते थे, दौलत राम जी का भजन है,
अंतर सुखरस घटा घटी, बाहर नारक कृत दुख भुगते, बाहर में नरक कृत दुखों को भुगत रहा है, भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में अपनी शक्ति की खबर है ना, तो रोता नहीं है, आंसू नहीं बहाता है। अनाकुलत्व, इसका आकुलता मोक्ष में नहीं है, छेड़ाला का दौलत राम जी ने कहा है, तो हम कहां मना करते हैं। इस सुख शक्ति की पूर्ण व्यक्ति वो असिद्ध दशा में दिखाई देती है, अरंत दशा में दिखाई देती है, हमें क्या दिक्कत है उसमें। शक्ति अभी, व्यक्तता वहां, उसकी आंशिक व्यक्तता सम्यक दर्शन हो जाने पर भूमिका अनुसार वृद्धि, गुणस्थानों की वृद्धि के परिमाण में, और उसकी पूर्णता अरहंत दशा के हो जाने पर। शक्ति तो है ना भाई साहब, ये जिस सुख की चर्चा कर रहे हैं, उछलती हुई शक्तियों की जब चर्चा की, निर्मल पर्यायों को जब इसमें शामिल करी ने लदी ने बात करी छे, माने जब निर्मल पर्यायों को इसमें शामिल किया गया, तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के भी ये सुख शक्ति की प्रकटता है। पंचम गुणस्थान वर्ती के वृद्धि है, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती के और वृद्धि दिखाई देती है कि साहब आप जिस सुख की बात कर रहे हो, ये सुख हमारे कहाँ है यार, अभी इस पंचम काल में। कहते बड़ी बड़ी बातें करते हो आप, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, ये उस शक्ति की बात कर रहे हैं जिस शक्ति की प्रकटता वर्तमान में हो सकती है। यहाँ बैठे बैठे वर्तमान में इस शक्ति का रसास्वादन किया जा सकता है। अच्छा, सुख शक्ति से सुखाता होगा, सुख सुख जो है ना, ये सुख शक्ति की पर्याय है ना, सुख सुख जो है अतीन्द्रिय आनंद, ये सुख शक्ति की पर्याय है कि नहीं, कौन से गुण की पर्याय है अतीन्द्रिय आनंद, चारित्र गुण की, सुख सुख कौन से गुण की पर्याय है भाई जी। कई कई अपेक्षाओं से चर्चा करते हैं, कई सुख गुण की पर्याय कहते हैं, अभी जैसे चारित्र गुण की पर्याय की बात कही, और श्रद्धा गुण का परिणमन सुख नहीं, श्रद्धा गुण के परिणमन को तो कहाँ कहेंगे, किस किस का परिणमन है। अच्छा, सुख सुख नाम के एक गुण में से आनंद आता है कि पूरे अभेद अखंड आत्मा का आनंद आता है, हैं? वो जो आनंद है वो सुख गुण का आनंद है कि सबका मिलकर के एक अभेद अखंड आनंद है, अभेद आनंद है वो। ये अलग अलग विवक्षाओं से शास्त्रों में कथन किए जाते हैं। यहाँ तो अनाकुलता लक्षण वाले को कह दिया, लेकिन भाई इस शक्ति को भोग नहीं सकता मैं यार, मेरे में इतनी ताकत नहीं है सब अभी। आप कह तो रहे हो इस शक्ति का उपभोग करो, तुम सुख स्वरूप हो, तुम सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, आनंद का उपभोग करो, तुमने ये बातें कह तो दी है, लेकिन मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि सुन, तेरे में एक और शक्ति है, उस शक्ति का नाम वीर्य शक्ति, तेरे में पावर है, तू कमजोर समझ रहा है अपने आप को। अरे नहीं नहीं साहब, इतना सुख की आप बात कर रहे हो, इस सुख को कौन भोगेगा, कौन सा सुख, सिद्धों जैसा। कभी कभी फील होता है ऐसा, ऐसा आप महसूस करते हो आप, हम कौन से सुख की बात कर रहे हैं, बोलो करण भाई कौन सा सुख की बात कर रहे हैं हम। वो सुख आ सकता है तुम्हारे को, वो सुख तुम्हारे को अभी मिल सकता है जिस सुख का उपभोग वर्तमान में सीमंदर भगवान कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, सुख का उपभोग महावीर भगवान कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान सिद्धालय में बैठे हुए जिस अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहे हैं, उस आनंद का स्वाद मैं वर्तमान में ले सकता हूं। ऐसे सुन रहे हैं रजनी भाई, हाँ ठीक है, हो सकता है। हम शक्ति की चर्चा कर रहे हैं क्या, वो उत्साह नहीं आता है, जोश नहीं लगता है आपको, क्या बात कह रहे हो। कभी कभी कोई ऐसी वो लेकर, ऐसा पेन हो ना अपने हाथ में, तुम्हें पता है ये पेन, ये वो पेन है जिस पेन से अमिताभ बच्चन साइन करता है ना कौन बनेगा करोड़पति में, क्या 5 करोड़ का चेक साइन किया था ना जिस पेन से, वो पेन है क्या। आपको पता है हम घर में कौन से चावल यूज में लेते हैं, वही चावल यूज में लेता हूँ जो मोदी खाता है ना, नरेंद्र मोदी, वही वाले। ये पता है मैं कौन से टेलर से सिलवाता हूँ कुर्ता, उसी से जिससे नरेंद्र मोदी, अच्छा नरेंद्र मोदी सिलवाता है, वही वाला, ये तो पहनते भी वही है मोदी वाला क्या अरे कैसी कैसी महिमा आती है हमारे को, कैसा लगता है, अरे सुनते और जो वो उनका जैसा। मुंबई में लोग ऐसे, पता है हम कहाँ रहते हैं, पता है शाहरुख खान के मकान के सामने रहते हैं, अच्छा वहाँ रहते हो, शाहरुख खान की बिल्डिंग के सामने रहता है तो कितनी महिमा आती है तुझे है?
और शाहरुख खान वाली बिल्डिंग में रहता हो तो, और उसके घर में उसके साथ में रहता हो तो। अरे भाई साहब, यहाँ जिस सुख की बात कर रहे हैं, ये सुख किसी से मिलान करने जैसा नहीं, साक्षात वही सुख है, उसी क्वालिटी का सुख है, जिस सुख का उपभोग अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में बैठ करके कर रहे हैं, उसका उपभोग वर्तमान में कर सकूं, ऐसी शक्ति है। लेकिन इसे भरोसा नहीं होता, वो हुआ नहीं ना आज तक कभी। मैं कहाँ वो कहाँ, आप क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो आप, कहाँ वो भगवान, कहाँ परमात्मा, तीन लोग के नाथ, कहाँ मैं इतना सा साधारण सा आदमी अकाउंट्स का काम करता हूँ, कहाँ थोड़ा सा छोटा मोटा बिजनेस चलाता हूँ, है ना, एक शोरूम खोल करके बैठा हूँ एक होंडा का, कहाँ मैं कहाँ और कहाँ वो तीन लोग के नाथ। कैसा लगता है अपने को, नहीं मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। अरे तू पागल है, तू कह रहे हैं तेरे में इतनी शक्ति है, एक सात नंबर की शक्ति कही, जिसका नाम क्या था, छह नंबर की शक्ति, जीवत्व शक्ति पहली, दूसरी शक्ति चिति, नंबर तीन दृष्टि, चार ज्ञान शक्ति, पांच सुख शक्ति, और छह नंबर धीरे शक्ति। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, ये कौन सी शक्ति है, वीर्य शक्ति। क्या परिभाषा लिखी इस वीर्य शक्ति के बारे में, क्या कह रहे हैं, स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति है। ओहो, स्वरूप की रचना की सामर्थ्य है मेरे में, आत्मस्वरूप की रचना हो सके, आत्मस्वरूप की रचना कर सके, उस सुख का, उस ज्ञान का, उस दृष्टि का, उस चैतन्य पने का, उस जीवत्व पने का, उन उन सब की रचना रूप जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य का नाम है ये वीर्य शक्ति। आप सोचिए यदि वीर्य शक्ति नहीं होती तो क्या होता। कभी किसी चीज की महिमा देखनी हो तो उसे हटा के देखो तो पता लगता है, ये नहीं होते तो क्या होता। जेब में मोबाइल नहीं होता तो क्या होता है? हमारे पास में मकान नहीं होता तो क्या होता, गाड़ी नहीं होती तो क्या होता। ऐसा फील करते हैं ना अपन, बेटा नहीं हो चले जाए तो क्या, जब तक रहते हैं ना पिताजी तब तक महिमा नहीं आती उनकी, अब पिताजी चले जाते हैं तो पता लगता है हमारे को पिताजी क्या चीज से। हटा के देखो एक बार, यदि ये वीर्य शक्ति नहीं हो, यदि ये पावर नहीं हो, तो अनंत ज्ञान का उपभोग कौन करेगा, कैसे करेगा, अनंत सुख का उपभोग कैसे कर पाएगा। अनंत ज्ञान और अनंत सुख को झेलने की पावर भी तो चाहिए, झेलेगा कैसे, शक्ति नहीं हो तो पचेगा कैसे। गुरुदेव उदाहरण दिया करते थे चक्रवर्ती की खीर का, पचाए कोई है ताकत, वो चक्रवर्ती जैसा सम्राट ही पचा सकता है, और किसी में नहीं है इस प्रकार की पावर। चक्रवर्ती की पटरानी चक्रवर्ती के भोजन का एक गास पचा सकती है, सिर्फ एक गास, और यदि उसका एक कण भी यदि उसकी सेना में से किसी भी व्यक्ति के पेट में चला गया तो पेचिस का रोग हो जाए। कैसा भोजन बनता होगा, भोजन बनाने की प्रक्रिया बतलाते थे गुरुदेव, कहते थे 360 दिन वर्ष के 360 दिन में चक्रवर्ती का भोजन बनाने के लिए 360 रसोइये नहीं होते थे, 360 रसोइयों की टीम हुआ करती थी, एक टीम एक दिन भोजन बनाती थी। सिर्फ साल में एक दिन भोजन बनाना है, दूसरे दिन दूसरी टीम भोजन बनाएगी, तीसरे दिन तीसरी टीम भोजन बनाएगी, चौथे दिन चौथी टीम भोजन बनाएगी। द्रोल भाई ये जॉब बहुत अच्छा है यार, साल में एक दिन भोजन बनाना है, 360 दिन छुट्टी क्यों चैतन्य भाई, ये बड़ा गजब है यार, इसमें क्या है, एक दिन काम करना है अपने, एक दिन नहीं 360वें दिन भोजन बनने के लिए 359 दिन तक तैयारी की जाती थी। अब आप सोचो साल भर तैयारी करने के बाद जो भोजन बनता होगा, रत्नों की भस्म पीसी जा रही है, सोने चांदी की, इनके कैसे कैसे भोजन बनता होगा, वो किस प्रकार का गरिष्ठ भोजन होता होगा, पचाने की ताकत नहीं हो तो क्या होगा। ये शेरनी का दूध है, स्वर्ण पात्र में ही टिकता है,
इसे टिकाने के लिए, इसे झेलने के लिए स्वर्ण पात्र चाहिए। किसी दूसरे पात्र में यदि सिंघनी का शेरनी का दूध निकाला जाए तो पात्र में छेद हो जाते हैं, छलनी करके नीचे बह जाता है, टिकता नहीं है। शेरनी का दूध, स्वर्ण पात्र चाहिए उसके लिए, इतनी पावर चाहिए अनंत सुख को भोगने के लिए। पावर, बोले पावर भी है तेरे में, चिंता मत कर। और बोल क्या प्रॉब्लम है तेरे को। ये साहब इतनी सारी बातें आपने कही, सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, बात तो बहुत अच्छी लग रही है। जीवत्व शक्ति है, मैं कभी मरूंगा नहीं, क्षिति शक्ति है, कभी जड़ रूप नहीं हो जाऊंगा, है दृष्टि शक्ति है, सबका सामान्य अवलोकन कर सके, ज्ञान शक्ति है, भेद रूप जान सके, और सुख शक्ति है, सुख का उपभोग कर सकूं मैं, ऐसा हूं, मुझ में इतनी पावर है कि मैं इन सबको साथ में टिकाए रख सकूं, झेल सकूं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा भाई साहब। थोड़ी ऐसा लग रहा है कि यार ये सब आप लंबी तो नहीं फेंक रहे हो थोड़ी सी। ये बातें बड़ी बड़ी तो नहीं हो रही है, कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं हो गई। तो कहते हैं अरे मूर्ख तू दीनहीन नहीं है क्या, दीनता की चर्चा मत कर, हीनता की चर्चा मत कर, पामरता की चर्चा मत कर, तू स्वयं प्रभु है क्या। सातवीं शक्ति कहते हैं, वापस पहली से शुरू करो। नाम याद करने भैया पीछे वाले लोगों को, दो दो तीन जितना जितना चलते जा रहा हूँ ना मैं पिछले दिन वाली शक्तियाँ पीछे वाले किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ, समझ लेना आप। और फिर उसकी सजा ये होगी कि आपको आगे आकर के बैठना पड़ेगा, पीछे से याद नहीं हो रहा तो आगे आके बैठना पड़ेगा। रजनी भाई ने कहा मेरे से, बुला लेना आगे आप, खड़ा कर देना भरी सभा में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा ठीक है कर दूंगा, अब आपने कह दिया तो मुझे क्या दिक्कत है। देखो पहली शक्ति का नाम जीवत्व शक्ति, दूसरी चिति शक्ति, नंबर तीन, नंबर चार ज्ञान शक्ति, नंबर पांच सुख शक्ति, छह नंबर वीर्य शक्ति, स्वरूप संरचना करना पावर, वो वीर्य शक्ति का काम, और नंबर सात प्रभुत्व शक्ति। ओ वैभव संपन्न है तू, प्रभु है भैया। ये जितनी शक्तियों की चर्चा चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये शक्तियां किसी और में हो, इन शक्तियों का वेद पिंड, इन शक्तियों को धारण करने वाला शक्तिमान कोई और नहीं है, वो तू स्वयं है। पहचान अपनी शक्ति को, पहचान अपनी पावर को। जो ऐसी शक्तियों को पहचानता है ना, उसे घबराहट नहीं होती, उसे डर नहीं होता। दीन भयो प्रभु पद जपे, दीन होकर के हे भगवान आप में तो अनंत शक्तियाँ, हे प्रभु आप तो बस, और मैं तो कहाँ, मैं तो संसारी, मैं तो दीनहीन, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं तो भिखारी, मेरे में कहाँ है भगवान। अरे ये दीनता को छोड़, इस पामरता को छोड़ और प्रभुता को स्वीकार कर। प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता की श्रद्धा करो और प्रभुता अपनाओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता। अरे तमें परमात्मा छो बापू, तमें परमात्मा छो, बद्धा जीव परमात्मा छे, परमात्मा है हम परमात्मा। इस प्रभुता को देखो, महिमा आएगी अंदर से, आनंद आएगा। इस प्रभुता की चर्चा आने मात्र से उछल जाना चाहिए। ये ऐसी शक्ति है, मुझे प्रभु कह करके पुकार रहे हैं, प्रभुत्व कह करके पुकार रहे हैं। देखो शक्ति, शक्ति के में क्या कहा यहाँ, जिसका प्रताप अखंडित है। प्रभुत्व शक्ति में क्या कह रहे हैं, जिसका प्रताप, ओह बहुत प्रतापवंत है, बहुत सामर्थ्यशाली है ये शासक, ये राजा बहुत सामर्थ्यशाली है। इसका प्रताप ऐसा है, इसका नाम लेने मात्र से सामने वाले घबराते हैं, दूजते हैं, कांपते हैं, ऐसा प्रतापवंत है। कौन है ऐसा अखंडित प्रतापवंत, अखंडित अखंडित प्रतापवंत। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का प्रताप अखंडित नहीं रहा, होंगे किसी समय में राजा। आज कौन पूछता है बोलो, ज्ञानी सेल जी, जेल सिंह जी को कौन पूछता है,
हैं, ये कौन कौन है, मनमोहन सिंह जी को कौन पूछ रहा है? चिदंबरम को देख लो, चिदंबरम को देख लो आप, मत बताओ मेरे को कौन कौन पूछ रहा है। रहे होंगे अपने समय में, लेकिन आज सीट से उतर जाने के बाद में कौन किसकी परवाह कर रहा है भाई साहब। उनका प्रताप कब था? जब वे सीट पर थे। वे सीट से उतर गए, अब कोई प्रताप नहीं है उनका, अब कोई कीमत ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हो सकते हैं, गुजरात के भी ऐसे मुख्यमंत्री हो सकते हैं जिनका नाम नहीं जानते हो आप। मुझे तो मालूम चला भी, हमारे जयपुर में ऐसी चर्चा चल रही थी, तो जयपुर राजस्थान का मुख्यमंत्री था कोई, क्या नाम था उसका, कोई जगन्नाथ पाड़िया राजस्थान का मुख्यमंत्री हुआ करता था किसी समय में। मैंने जन्म से उसका नाम नहीं सुना कभी, सोचो आप, जिंदा है अभी, मैंने नाम नहीं सुना उसका, अभी जिंदा है, राजस्थान का मुख्यमंत्री था, 43 जो चल रहा है मुझे, अब आप कल्पना करो ज़रा, 43 साल में मैंने उसका नाम नहीं सुना, बचपन में कभी सुना हो तो, अभी जिंदा है। कौन पूछ रहा है उनको, कौन सी गली में है, कौन से मोहल्ले में है, कहाँ रह रहा है, किस हाल में है, होगा कहीं। किसी समय में जिसका प्रताप पूरे राजस्थान में था, किसी समय में जिसका प्रताप पूरे हिंदुस्तान पर था, मनमोहन सिंह जी, किसी समय में जिसका प्रताप ओबामा, जिसका पूरे दुनिया पे चला करता था, अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा, अब आप बतलाओ आज उसको कौन पूछ रहा है, क्लिंटन को कौन पूछ रहा है, आज कितने लोग जानते हैं। दुनिया में किसी भी पद पे चले जाओ, तुम्हारा प्रताप अखंडित नहीं होगा। क्या कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, कितना भी बड़ा पद हो, कितनी भी बड़े लेवल पर पहुंच जाओ आप, हैं, जिस जिसके बारे में आपको ऐसा लगे आज तो पूरी दुनिया मेरे चरण छूती है, इस पद पर पहुंच जाओ आप, तो भी कहते हैं तुम्हारा प्रताप अखंडित नहीं है। तुम वो हो जिसका अखंडित प्रताप है। तुम जड़ से अपना प्रताप समझते हो, तुम संयोग से अपना प्रताप समझते हो, तुम संयोगों से अपने आप को बड़ा समझते हो, तुम संयोगों के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ और महान समझने का प्रयास करते हो। ये कह रहे हैं संयोगों के आधार पर महान मानेगा, तेरा मान तेरा अभिमान ये चूर चूर हुए बिना नहीं रहेगा। क्या तो कैसा है तू अपने स्वभाव से मान। सुनो, पर से जिस व्यक्ति ने सम्मान कराने की चाह की, उसका अपमान हुए बिना नहीं रहेगा। जिसने अपने स्वभाव का सम्मान किया, सारा जगत उसका सम्मान करता है। ये अखंडित प्रतापवंत, ये महिमावंत चैतन्य शक्ति का धनी, ये किसी से खंडित नहीं किया जा सके। ऐसी स्वातंत्र से शोभायमान पना जिसका लक्षण है, ये प्रभुत्व शक्ति है। ऐसा शोभायमान गुरुदेव सिंह लिया प्रवचन में इसे, हाँ गाथा में कि मन प्रभुत्व शक्ति में प्रभुता स्वीकारेगा तो पामरता टिकेगी नहीं, और पामरता सीखेगा तो प्रभुता प्रकटेगी नहीं। बोलो क्या कहा? प्रभुता स्वीकारेगा तो पामरता टिकेगी नहीं, और पामरता स्वीकारेगा, पामरता स्वीकारेगा तो प्रभुता मिलेगी नहीं। इसमें क्या, अब बोल तुझे क्या स्वीकार करना है, प्रभुता स्वीकार करना है या पामरता स्वीकार करना है? प्रभुता स्वीकार करो भैया, तुम प्रभु हो। दुनिया में कौन सी ऐसी जगह होगी, मैंने कल रात को चर्चा की थी राजू भाई, कल शाम वाले प्रवचन में मैंने ये बात कही थी, हम कौन सी जगह पर आ गए हैं? हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ वक्ता बैठ करके रोजाना हमारे को परमात्मा कहता है। हम उस गुरु के शिष्य हैं जिस गुरु ने कभी हमारे को मनुष्य नहीं देखा। हम उस गुरु के शिष्य हैं जिसने सदा हमारे को परमात्मा कहकर के हमारा सम्मान किया। आप देखो तो सही, मिलेंगे आपको ऐसे गुरु कहीं दुनिया में? ऐसे गुरु मिले कहीं? सारे दुनिया में ऐसे गुरु मिलेंगे, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है, ऐसे गुरु मिलेंगे, मेरे चरणों में बैठ जरा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। सारे दुनिया में ऐसे गुरु मिलेंगे। ये वो गुरु मिले हमारे को जिन्होंने अपने आप को प्रभु स्वीकार किया, और जिन्होंने जगत के प्रत्येक जीव को प्रभु देखा, परमात्मा देखा, परमात्मा बनने का मार्ग नहीं बतलाया, परमात्मा बना दिया। वो गुरु मिल गए हमारे को। ये प्रभुता को स्वीकार करो, प्रभुत्व नाम की शक्ति। ये कैसी शक्ति है, माने मुझे परमात्मा देख रहे हैं, मुझे भगवान देख रहे हैं, पर्याय दृष्टि से नहीं देख रहे, द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं। अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड गायक भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान, ये प्रभुत्व शक्ति का धनी है। एक और ले लेते हैं, बस एक शक्ति और।
समझ में तो आ रही है ना? बोलो जी, पहली शक्ति का नाम जीवत्व, दूसरी जीवत्व में क्या कहा था? अपनी अपनी शक्ति से जीता हूं मैं। देखो जीवत्व शक्ति के कारण इसका नाम पड़ा था जीव। तो जीव क्यों कहते हैं? जीवत्व शक्ति है इसलिए जीव कहते हैं, चिति शक्ति है इसलिए चेतन कहते हैं, दृष्टि और ज्ञान शक्ति है इसलिए इसे ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। भगवान आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहते हैं कि नहीं? और सुख शक्ति है इसलिए इसे क्या कहते हैं? आनंद स्वरूप कहते हैं, आनंद घन। क्या अभी गुरुदेव चिदानंद घन, चिदानंद सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद में शुरू की शक्तियां आ गई। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, सत्व में जीवत्वपना, चित्त में चिति, और चिति के अंदर ज्ञान और दर्शन, दृष्टि और ज्ञान शक्ति, और आनंद में सुख शक्ति, सच्चिदानंद। इसमें छह शक्तियां गर्भित हो गई सच्चिदानंद में। क्या कह रहे हैं यहाँ? अखंडित प्रतापवंत की बात हो गई। अब देखो आप, और गजब की शक्ति है, एक शक्ति है विभुत्व नाम की शक्ति। यार तो गजब है विभुत्व शक्ति, तो इतनी महिमा आती है, घंटों चर्चा करो इस विभुत्व शक्ति के संदर्भ में। विभुत्व शक्ति कितना वैभव है, ये कह रहे हैं विभुत्व शक्ति के माध्यम से सर्व भावों में, शब्द देखना प्रकाश भाई क्या लिखे, अशोक भाई क्या लिखे, सर्व भावों में व्यापक, सर्व भावों में व्यापक एक भाव रूप ये विभुत्व शक्ति है, सब में व्याप्त होकर के रहे। एक शक्ति का रूप अनंत शक्तियों में रहे, अनंत शक्तियों का रूप एक शक्ति में रहे। अरे एक शक्ति का रूप अनंत शक्तियों में न हो, अनंत शक्तियों का रूप एक शक्ति में न हो, यदि ऐसा नहीं हो तो फिर क्या होगा? द्रव्य खत्म हो जाएगा, द्रव्य खत्म हो जाएगा। ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति ज्ञान को ही जानने का काम करती है कि श्रद्धा को भी जानती है, सुख शक्ति को भी जानती है? यदि ज्ञान में ज्ञान होता और सुख शक्ति में ज्ञान का रूप नहीं होता तो सुख को जानते कैसे? क्या समझ में आ रही है बात? सुख यदि ज्ञान का विषय बना है तो ज्ञान शक्ति का रूप है उसमें, इसलिए सुख ज्ञान का विषय बना है। सुख तो बहुत है लेकिन ज्ञान में नहीं आ रहा, अब क्या करो बोलो? निकाल दो ज्ञान को। और ज्ञान नाम की शक्ति तो हो और साथ में अस्तित्व नहीं हो, साथ में जीवत्व नहीं हो, तो कर लो क्या कर लोगे? सोचना थोड़ा गंभीरता से क्या कह रहा हूं मैं। एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप यदि परस्पर में ना हो तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी? अस्तित्व तो है और वस्तुत्व नहीं हो तो अस्तित्व किसको टिकाए रखेगा? अस्तित्व को। लेकिन अस्तित्व गुण का रूप, जीवत्व शक्ति का रूप चिति में भी है, दृष्टि में भी है, ज्ञान में भी है, सुख में भी है, वीर्य में भी है, प्रभुत्व विभुत्व में भी है। कौन सी शक्ति का रूप? जीवत्व का। तो जीवत्व शक्ति का रूप दूसरी शक्तियों में है इसलिए दूसरी शक्तियां भी जीवत्व रूप है। क्या 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 कहा हमने? एक शक्ति, अभी अभी दूसरी बात कहता हूं, देखो एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है लेकिन एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है। निखिल भाई क्या कहा? एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है लेकिन एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है। यदि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप हो जाए तो अनंत नहीं बन सकती, फिर तो एक ही हो जाएगी। और एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में नहीं हो तो द्रव्य खत्म हो जाएगा, बिखर जाएंगे। अरे बिखर करके एक द्रव्य से अनंत बन जाएंगे, एक का रूप दूसरे में नहीं हो तो। ज्ञान में सुख का रूप, सुख में ज्ञान का रूप, ज्ञान में अस्तित्व का रूप, अस्तित्व में वस्तुत्व का, वस्तुत्व में द्रव्यत्व का, द्रव्यत्व में प्रमेयत्व का, प्रमेयत्व में आगुरुलघुत्व का, आगुरुलघुत्व में प्रदेशत्व का। प्रदेशत्व अकेले प्रदेशत्व का ही काम करता होगा, प्रदेशत्व इसका काम नहीं करता होगा। ये कैसा स्वरूप है? ये थिकनेस है भाई साहब आत्मा की, ये लेयर्स है आत्मा की,
इसे मोटाई कहते हैं आत्मा की, लंबाई चौड़ाई मोटाई है क्या आत्मा में? आत्मा में लंबाई चौड़ाई मोटाई है या नहीं है? ज्यादा समय हो गया क्या? नींद तो नहीं आ रही है? आत्मा में लंबाई चौड़ाई मोटाई है या नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है। आत्मा में लंबाई भी है, अनादि अनंतता आत्मा की लंबाई है, उसकी चौड़ाई भी है, असंख्यात प्रदेश आत्मा की चौड़ाई है, और उसमें मोटाई भी है, आत्मा की थिकनेस भी है। अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियाँ, ये उसकी थिकनेस है, ये उसकी मोटाई है। जहाँ ज्ञान पसरा हुआ है जिन असंख्यात प्रदेशों में, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में दर्शन है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में चारित्र है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में सुख है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में वीर है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में प्रभुत्व है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में विभुत्व है। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक है। ये कैसा स्वरूप है? ये वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए, ये 47 शक्तियां, ये 47 शक्तियां आत्मा को समझाने के लिए, इन 47 शक्तियों के माध्यम से ज्ञायक भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट किया है, आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया है। मैं कौन हूं और मेरा क्या स्वरूप है, इस बात को यहां स्पष्ट किया है। आया सामान्य लिया, आया सामान्य विस्तार सामान्य। हाँ, आया सामान्य विस्तार सामान्य की चर्चा की है प्रवचन सार में, लंबाई चौड़ाई की चर्चा की है, माने खूब खूब विस्तार से चर्चा। स्वरूप तो समझो, वस्तु स्वरूप क्या है, इसमें कुछ गुण भी होंगे, कुछ शक्तियाँ भी है, कुछ धर्म भी है, कुछ स्वभाव भी है, अलग अलग विवक्षाओं से, माने कुल मिलाकर के उन बातों को यहाँ 47 शक्तियों में गर्भित किया है जिनके माध्यम से तुम्हें अपना स्वरूप समझ में आ सके, जिन्हें भगवान आत्मा का स्वरूप समझ में आ सके। अपने आप के स्वरूप को समझने के लिए ये शक्तियाँ हैं, और इन शक्तियों को पहचान लिया फिर डर नहीं है, फिर क्या है, मैं तो निडर हो करके ऐसे बिंदास घूमता है कवच पहन करके, अब कर लो कोई व्यक्ति क्या करेगा। बेटा आरजीएम था, वो वॉशरूम में नारा था शावर के नीचे, घड़ी पहन रखी थी, मैंने कहा क्या कर रहा है, घड़ी पहन रखी, पापा वाटर प्रूफ है। कहाँ से आ गई भाई साहब ये पावर, ये पावर कहाँ से आ गई? जैसे ही पता लगा ना वाटर प्रूफ है, तो आत्मा कैसा है बतलाओ, वाटर प्रूफ है कि नहीं है? अब पानी में डूबेगा कि नहीं? अब बताओ मैं अग्नि में जलूंगा कि नहीं? कि फायर प्रूफ भी है भैया, क्या क्या हवा उड़ा करके ले जाएगी तो हवा जैसे उड़ जाएगा ये आत्मा, कि सुन एयर प्रूफ भी है क्या? ये ऑल प्रूफ है ये आत्मा, कल्पना तो करो आप, ये आत्मा की शक्तियों की चर्चा चल रही है। मैं कोई साधारण तत्व नहीं हूं, मैं अनंत शक्ति संपन्न तत्व हूं। अपनी प्रभुता को पहचानो और इस विभुत्व शक्ति को पहचानो। 8 शक्तियों की चर्चा हमने आपके बीच में की है, 8 के नाम याद करना, फिर देखना आपके जीवन में कितने ठाठ उत्पन्न होते हैं। ये 8 के ठाठ हैं, जिसने 8 गुणों को अच्छे से पहचान लिया, इन 8 शक्तियों को अच्छे से पहचान लिया, कल आगे भी करेंगे चर्चा, 8 को पहचानने वाला 8 गुणों की प्रकटता करेगा और अष्टम वसुधा पर जाकर के बैठेगा। और यदि अष्टम वसुधा को जानना हो तो शाम को आकर के बैठना, हम आपको वहां भी ले चलेंगे।